एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, When the largest negative integer is divided by the smallest positive integer, then we get. तो largest negative integer क्या होता है? -1। और smallest positive integer क्या होता है? 1। तो जब आप इन दोनों को जो है वो डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा? -1 आएगा, है ना। -1 और 1 को डिवाइड करोगे तो आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, A certain freezing process requires the room temperature to be lowered from 30 degree Celsius. At the rate of 5 degree Celsius every hour. तो 30 degree Celsius पे है temperature कोई room में, ठीक है, और 5 degree Celsius हर hour के बाद, एक घंटे के बाद जो है वो basically 5 degree Celsius कम हो जाता है। तो what will be the room temperature after 8 hours? तो 8 hours के बाद कितना temperature कम हो जाएगा? तो पहले इन दोनों को multiply कर दो, 5 8 40, यानी कि 40 degree Celsius जो है वो बेसिकली टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। अभी कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस को 40 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है, उसको जो है उसने बेसिकली बैग्स जो है वो बेचे हैं 10 रुपीज प्रॉफिट में, ठीक है। तो 20 बैग्स है 10 रुपीज प्रॉफिट में बेचे, तो 200 का प्रॉफिट हुआ है उसे, और उसने 50 बुक्स जो है वो बेचे है 2 रुपीज लॉस में, ठीक है। तो 50 बुक्स बेचे है 2 रुपीज के लॉस में, तो 52 का कितना हो जाएगा? 100। तो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही गेट्स, तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे? तो ये लॉस हुआ था बेसिकली, है ना, तो मैंने माइनस का साइन डाला। अब 200 में से 100 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो उसको 100 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 200 का उसे प्रॉफिट हुआ था, 100 का नुकसान हुआ, तो 100 जो है उसके पास बच जाएंगे, जो कि प्रॉफिट है उसका। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के टेस्ट में 20 क्वेश्चंस है, हर करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर जो है वो दिए जाते हैं और हर गलत आंसर के लिए 1 नंबर जो है वो काटा जाता है। अगर उसके 15 आंसर जो है वो ठीक है तो हर आंसर के जो है वो 2 मार्क्स है, तो 15 2 का कितना हो जाएगा? 30। और तो उस बाकी के क्वेश्चन उसके गलत हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 में से 15 माइनस करोगे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 आंसर गलत थे, उसके लिए 1 नंबर काटे गए, तो -5 -1 कर दिया, तो 5 1 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 आ गया, तो उसके मार्क्स जो है वो कितने आ जाएंगे? 30 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 25, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, x जो है वो -10 + -10 इस तरीके से 20 टाइम तक जा रहा है, ठीक है। तो जो x है हमारा वो कितना हो गया? -10 × 20, जो कि कितना हो गया? 200 माइनस का है, उसमें जो है वो 10 है, ठीक है, प्लस का, और वो भी 20 टाइम है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 200 हो जाएगा, ये माइनस का 200 है, प्लस का 200 है, तो माइनस का 200 x प्लस वाई बोला है, तो माइनस का 200 प्लस 200, तो ये कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 50 व्हेन डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ 20, तो हाफ ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 10। उसको 50 से डिवाइड कर, 50 को डिवाइड करना है 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी और के टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली जो नंबर होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। 7 जो है वो नंबर है जो किसी और के टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 1 लगा के 5 times 0 = 3, 4, 5। अब ये टोटल 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो 5 times 9 लगा दोगे, ठीक है। इनको माइनस डिफरेंस बोला है, यानी कि माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इज इन, तो इसमें 6 का जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू जो है वो क्या है? 6 लगाकर 3 डिजिट से बाद में, तो 3 0 लगा दिया। ये जो है इसका जो है वो कितना हो जाएगा? 6 है, उसके बाद 1 डिजिट है, तो वो 0 लगा दिया। इनका प्रोडक्ट, तो 6 6 का कितना हो जाएगा? 36। 3 0 यहाँ पे और 1 0, 4 0 हो गए, तो 1 2 3 4 जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द इवन प्राइम नंबर इज, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमें दिया गया है वो है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 88, अगर कोई नंबर जो है वो 88 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा 22 से भी, डिविजिबल होगा 8 से भी हो जाएगा, ठीक है, 11 से भी होगा, 8 से भी होगा, 11 से भी होगा थ्राइस ऑफ 2, यानी कि 2 को 3 टाइम लिखना है, ठीक है, यानी कि 8, 8 से भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक 8 डिजिट का नंबर है, ये नंबर आपको दिया गया है, जब इसको 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो बी की जगह पर जो है वो क्या क्या नंबर आ सकता है कि ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो बच्चों 3 के डिविजिबल जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, इन सब नंबर्स को आपस से प्लस कर देना है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको जब आप प्लस करोगे, 4 में 2 प्लस किया तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 11 12 13, 13 में 7 प्लस किया 20 हो जाएगा, है ना, 6 4 10 हो गया, तो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो एक हमारे पास 30 प्लस बी बच गया, है ना। तो 30 में जब मैं 0 करूंगी तो 30 हो जाएगा, तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, जब मैं 30 में 3 प्लस कर दूंगी तो 33 हो जाएगा, फिर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, जब b की जगह पर मैं जो है वो यहाँ पर 6 लिख दूंगी तो 36 हो जाएगा वो, है ना, तो भी डिवाइड हो जाएगा, जब मैं b की जगह पर 9 लिख दूंगी तो 39 बन जाएगा, फिर भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। ठीक है, 0, 3, 6 एंड 9, तो 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 6, एक नंबर जो है वो 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है, इट मे नॉट बी डिविजिबल बाय, तो ये किससे डिविजिबल नहीं होगा, तो बच्चों 5 और 6 का एलसीएम जब आप लोगे तो वो कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। ठीक है, तो जो 30 है वो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 15 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है, बट 60 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, वो है कि मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, इकट्ठे चलना जो है वो शुरू करते हैं, देयर स्टेप मेजर्स, तो उनका स्टेप जो है वो 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस वो चले कि एक जो इन्होंने मतलब डिसाइड किया कि यहाँ तक उन्होंने चलना है तो वो कंप्लीट स्टेप्स में चल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है इसका, 80, 85 एंड 90। ठीक है, 2 से इसको जो है वो डिवाइड करते हैं तो 40 हो जाएगा, इसके बाद 85 हो जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, अब 5 जो है फैक्टर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 17 85 और 5 9 45, अब एक टेबल में तो आ नहीं रहे, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 17 × 9, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12240 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150, तो एक बुक है 150 पेजेस वाली, उसमें 1 से 150 तक की पेज नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो कितने डिजिट्स प्रिंटेड है, डिजिट्स जैसे कि यहाँ पे ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, है ना, ये जो है वो 5 डिजिट है, इस तरीके से बोला कितने डिजिट्स प्रिंटेड होंगे, तो बच्चों देखो जो 9 डिजिट मतलब बेसिकली 1 डिजिट वाले नंबर होते हैं वो टोटल 9 होंगे। ठीक है, तो 9 हो गया, 2 डिजिट वाले नंबर 10 से लेकर हमने 99 तक काउंट करना है। ठीक है, तो वो टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया टोटल, 180 हो गया। 3 डिजिट वाले 100 से लेकर 150 तक काउंट करना है। ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे, 51, तो यहाँ पे ये हो गया टोटल 153। अब इन सबको प्लस कर दो, 9 180 153, तो प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 342, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, बाय बाय।